हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। एचटीएमएल सीखने की सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल है। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कुछ मल्टीमीडिया के टैग पढ़े थे, जिसमें वीडियो टैग पढ़ा था, ऑडियो टैग पढ़ा था। ये टैग हमने पिछले वीडियो लेक्चर तक कवर कर लिए थे। आई होप आपने वो वीडियो लेक्चर देख लिए होंगे और आपको वो टॉपिक समझ में भी आ गए होंगे। आज हम कुछ HTML के सिमेंटिक एलिमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि सिमेंटिक एलिमेंट क्या होते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिमेंटिक एलिमेंट, HTML सिमेंटिक एलिमेंट। जब ये HTML 5 में ये यूज किए जाने लगे, कौन से एलिमेंट? सिमेंटिक एलिमेंट HTML 5 में यूज किए जाने लगे। इससे पहले सिमेंटिक एलिमेंट नहीं थे, उस वक्त अपन डिव टैग का या स्पैन टैग का इनके लिए अपन यूज करते थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं सिमेंटिक एलिमेंट क्या होते हैं। सिमेंटिक एलिमेंट वे होते हैं जिससे हम क्लियरली डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी टैग को और उसकी मीनिंग को। सिमेंटिक एलिमेंट क्या होते हैं? जिसके द्वारा किसी टैग और उसके जो मीनिंग है उसको अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं, ब्राउजर को अंडरस्टैंड करवा सकते हैं और डेवलपर को अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। तो अपन बता सकते हैं कि सिमेंटिक एलिमेंट क्या होते हैं। तो इसकी अगर डेफिनेशन अपन करना चाहें तो अपन लिख सकते हैं डेफिनेशन के अंदर कि ए सिमेंटिक एलिमेंट क्लियरली Describe its meaning to both the किसके लिए? Both the browser and the developer। तो अगर किसी का meaning समझाना हो कि किस बारे में tag लिखा गया है, क्यों ये tag लिखा गया है, तो अपन किसका use करते हैं? Semantic element का use करते हैं। तो सिमेंटिक एलिमेंट में जैसे अपन कोई वेबसाइट अगर बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई वेबसाइट के लिए अपन कोड लिख रहे हैं, तो अपन उस वेबसाइट का ये मान लेते हैं क्या है? स्ट्रक्चर है। उस वेबसाइट का क्या है? ये स्ट्रक्चर है। इसको करता हूं मैं, जैसे ये वेबसाइट का क्या है? एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वेबसाइट के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है वेबसाइट के स्ट्रक्चर में? सबसे ऊपर आता है हेडर। क्या आता है? सबसे ऊपर आता है हेडर पार्ट आता है। उसके बाद में वेबसाइट के स्ट्रक्चर में जो अगला पार्ट आता है वो आता है नेविगेशन। मेन्यूज जो होते हैं वो नेविगेशन में आते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं? नेविगेशन बार लिख सकते हैं। उसके बाद में किसी वेबसाइट में क्या आता है? उसके बाद में किसी वेबसाइट में क्या होते हैं? अलग अलग सेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग सेक्शंस होते हैं। और इसके अंदर वेबसाइट में और क्या हो सकता है? वेबसाइट में हो सकता है आर्टिकल। क्या हो सकता है? आर्टिकल हो सकता है कोई वेबसाइट में। उसके बाद में वेबसाइट में क्या हो सकता है? वेबसाइट में हो सकती है साइड बार। क्या हो सकती है वेबसाइट में? साइड बार हो सकती है। और वेबसाइट में और क्या हो सकता है? अंत में हो सकता है वेबसाइट में फुटर। क्या हो सकता है? वेबसाइट का फुटर पार्ट होता है अंत में। तो ये किसी वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है हेडर पार्ट, उसके बाद में नेविगेशन पार्ट, उसके बाद में सेक्शंस हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, साइड बार हो सकती है, और क्या हो सकता है? फुटर हो सकता है। तो इसके लिए अपन किसका यूज करते थे? जब अपने पास में क्या नहीं था, जब अपने पास में नहीं था क्या, ये HTML 5 में ये जो सिमेंटिक एलिमेंट है ये अपने पास में नहीं थे, तब अपन इसका यूज करते थे। किसका यूज करते थे? तब अपन हेडर लिखने के लिए अपन यूज करते थे। हेडर के लिए अपन क्या लिखते थे? अपन लिख देते थे डिव। क्या डिफाइन कर देते थे? डिव डिफाइन कर देते थे, और डिव की दे दी आईडी। डिव की आईडी में हम लिख देते थे हेडर। डिव की आईडी में क्या लिख दिया?
हेडर और यहां पे लिख दिया हेडर, ठीक है। और अगर अपने को नेविगेशन करना हो तो डिव के अंदर ही अपन आईडी बनाते थे और उसके अंदर अपन क्या लिख देते थे, नेव, कि हमने ये किसके लिए बनाया है, नेविगेशन के लिए, नेविगेशन, नेविगेशन बार के लिए। उसके बाद में सेक्शन बनाना होता था तो डिव में अपन आईडी बना देते थे और क्या लिख देते थे, सेक्शन। तो ये किसके लिए होगी, सेक्शन के लिए। उसके बाद में अगर आर्टिकल लिखना होता था तो डिव के अंदर ही अपन क्या देते थे, आईडी, और उसमें लिख देते थे आर्टिकल, आर्टिकल हो गया। ये किसके लिए हो गया, आर्टिकल के लिए। अगर हमें साइड बार देनी थी तो अपन डिव के अंदर ही आईडी बना के उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर देते थे कि ये क्या है, साइड बार है, क्या है, साइड बार है। ऐसे ही अगर अपने को फुटर देना होता था तो अपन लिख देते थे डिव आईडी क्या है, ये फुटर है, ठीक है। किसके लिए लिखा है, फुटर के लिए लिखा है, ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये जिसने ये बनाया, जैसे मैं यूजर हूं, मैंने ये बनाया है, मैंने ये बना दिया, तो मुझे ये पता है कि मैंने ये आईडी किसके लिए लिखी है, हेडर के लिए लिखी है। किसके लिए लिखी है, हेडर के लिए लिखी है। नेव किसके लिए लिखा है, नेविगेशन बार के लिए लिखा है। सेक्शन के लिए मैंने आईडी लिखी है, सेक्शन बार है, ये आर्टिकल है, ये साइड बार है। ये कौन समझ सकता है, ये ह्यूमन समझ सकता है, कौन समझ सकता है, ह्यूमन। लेकिन जब ब्राउजर में इसको इंटरप्रेट करवाया जाता है तो ब्राउजर इसको डिव ही समझेगा, क्या समझेगा, ब्राउजर इसको डिव ही समझेगा, डिवीजन ही समझेगा, इसको हेडर, इसको नेव, इसको सेक्शन, इसको आर्टिकल, इसको साइड बार और इसको फुटर नहीं समझेगा। तो ये केवल किसके अंडरस्टैंडेबल हुए, ये हुए किसके अंडरस्टैंडेबल, ये यूजर के अंडरस्टैंडेबल हुए, लेकिन ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है किसके लिए, ब्राउजर के लिए। तो ब्राउजर के लिए HTML5 में कुछ सिमेंटिक एलिमेंट अपने को दिए गए हैं। सिमेंटिक एलिमेंट का आपको मैंने बता दिया, जिसके द्वारा दो प्रकार के लोग हैं, एक है यूजर, एक कौन है, एक है आपका यूजर, ठीक है, और एक कौन है अपना, एक है अपना ब्राउजर, कौन है, एक है अपना कौन, ब्राउजर। तो ये दोनों की चीजें समझ में आनी चाहिए, तब तो अपन कह सकते हैं कि इसका मीनफुल मतलब निकलता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलता। अब जो HTML5 है उसमें सिमेंटिक एलिमेंट के लिए अलग से टैग हमें दे दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल अगर आपको लिखना है तो आर्टिकल आप टैग का यूज कर सकते हो, हेडर लिखना है तो आप हेडर टैग का यूज कर सकते हो, अगर आपको फुटर लिखना है फुटर के लिए टैग है अपने पास में, अगर आपको साइड बार लिखनी है तो साइड बार के लिए ए साइड टैग है अपने पास में, अगर आपको मेन टैग लिखना है तो मेन टैग है अपने पास में, नेविगेशन बनाना है तो नेव आपके पास में टैग है, आपको अगर टाइम डिक्लेयर करना है तो टाइम के लिए भी टैग है, अगर आपको कोई डिटेल देनी है डिटेल के लिए भी अलग से क्या है, टैग है डिटेल्स के नाम से, अगर कोई कैप्शन देना है आपको तो उसके लिए आपके पास में FIG कैप्शन नाम से क्या है, टैग है, अगर आपको किसी पिक्चर के फिगर लगाना है तो फिगर नाम से क्या है, फिगर नाम से भी अपने पास में क्या है, टैग उपलब्ध है। तो ये स्पेशल, ये सभी कैसे टैग हैं, ये सभी टैग हैं आपके, कैसे टैग हैं, ये सभी आपके सिमेंटिक एलिमेंट के अंदर आते हैं, किसके अंदर आते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट के अंदर ये सभी टैग आते हैं, कौन कौन से, ए साइड टैग, मैन टैग, नेव टैग, टाइम टैग, डिटेल टैग, फिग कैप्शन टैग, फिगर टैग, हेडर टैग, फुटर टैग, ये सभी टैग सिमेंटिक टैग कहलाते हैं। सिमेंटिक टैग वो होते हैं जिनके, जिसके द्वारा यूजर को भी उसका मीनिंग का पता लगे और ब्राउजर को भी उसके मीनिंग का पता लगे, तो उनको क्या कहते हैं, सिमेंटिक टैग अपन कहते हैं। तो अपन वन बाय वन सिमेंटिक टैग को पढ़ लेते हैं, कौन कौन से सिमेंटिक टैग होते हैं। तो आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा क्यों हम, क्यों सिमेंटिक टैग का हम यूज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कौन सा टैग है, सेक्शन टैग के बारे में अपन, ये सेक्शन टैग के बारे में अपन देख लेते हैं। सेक्शन टैग पहले तो होता क्या है,
क्या होता है सेक्शन टैग, जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट को अलग अलग सेक्शन में अपन क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं द सेक्शन एलिमेंट डिफाइन ए सेक्शन इन ए डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट में हमें क्या डिफाइन करना हो, सेक्शन डिफाइन करना हो, तो हम किस टैग का यूज करेंगे, हम सेक्शन एलिमेंट टैग का यूज करेंगे। सेक्शन में क्या क्या हो सकता है, सेक्शन में हो सकता है कोई चैप्टर्स हो सकते हैं, कोई इंट्रोडक्शन हो सकता है, कि कोई आपका न्यूज आइटम हो सकता है, क्या हो सकता है, न्यूज आइटम्स हो सकते हैं, या कोई कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये सभी किस में आते हैं, आपके सेक्शन में आ सकते हैं। किसके बारे में डिटेल हो सकती है, चैप्टर्स के बारे में डिटेल हो सकती है, कोई सेक्शन बना सकते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में कोई सेक्शन बना सकते हैं, न्यूज आइटम के बारे में कोई सेक्शन बना सकते हैं, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन के बारे में सेक्शन बना सकते हैं। तो HTML5 में ये नया जो टैग है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। तो चलिए इसकी कोडिंग करके अपन देख लेते हैं। तो अपन चलते हैं सबलाइन में, और यहाँ पे HTML का स्ट्रक्चर अपन, पहले इस फाइल को कर देता हूं मैं सेव, किस नाम से करता हूं, semantic element.html इस नाम से मैंने कर दिया सेव। और अब अपन HTML का लाते हैं और यहां लिखते हैं सीमेंटिक एलिमेंट्स, ठीक है, सीमेंटिक एलिमेंट्स। यहां से अपन क्या स्टार्ट करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक्सक्लामेशन डॉग टाइप, ये HTML5 का क्या होता है, रूट टैग होता है, इसको आपको इंक्लूड करना जरूरी है किसमें, HTML5 में। तो अब अगर अपन, जैसे मैं एक हेडिंग देता हूं H1 के अंदर दे देता हूं, जैसे दे दिया मैंने PCC Academy, H1 को मैंने क्लोज कर दिया। अब मुझे अगर सेक्शन बनाना है, क्या बनाना है, अगर मुझे सेक्शन बनाना है तो इसके लिए मुझे टैग लगाना पड़ेगा, कौन सा, सेक्शन टैग। चूंकि कंटेनर टैग होता है, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों की आवश्यकता होती है। मैं एक पैराग्राफ टैग भी ले लेता हूं, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूं, जैसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, नेचर इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी मैं, आपको एक सेक्शन बनाना है, आप लिखते जा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन इशू रिगार्डिंग द कंजर्वेशन रिसर्च एंड रिस्टोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। और पी को मैंने क्या कर दिया, पी टैग को मैंने क्लोज कर दिया है। ये मैंने कुछ भी एक पैराग्राफ बना दिया। अब सेक्शन अगर क्लोज करना है तो आप सेक्शन को क्लोज कर दीजिए। अब एक सेक्शन अपन और बना लेते हैं, ताकि आपको पता लगे कि ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है। तो अपन वापस कौन सा टैग लगाएंगे, सेक्शन टैग लगाएंगे, और इसमें भी मान लेते हैं कि अपन HTML के बारे में लिख देते हैं, ठीक है। पी HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक बार इतना ही मैं पी बना देता हूँ, पैराग्राफ बना देता हूँ, इसकी 2-3 कॉपियां मैं कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सेक्शन बड़ा लगे अपने को, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया, दूसरा सेक्शन बना दिया, ठीक है। और अब इसको क्लोज किया अपन ने, और अब इसका आउटपुट अपन देख लेते हैं। तो देखिए, आपको दो सेक्शन अलग अलग नजर आएंगे स्पष्ट। ये अपन ने जो हेडिंग दी थी वो हेडिंग आ गई, ये अपना एक क्या है, ये अपना एक सेक्शन अलग से क्रिएट हो गया, और ये अपना एक सेक्शन अलग से क्रिएट हो गया। इस प्रकार से आप सेक्शन जो एलिमेंट है उसका यूज करके आप सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अगला अपन एक एलिमेंट देखते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट, जो कि अपना रहेगा आर्टिकल, कौन सा है। अब आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल क्या होता है, जो आर्टिकल एलिमेंट होता है उसके द्वारा सेल्फ कंटेंट जो कंटेंट होता है वो अपन इसमें लिखते हैं। जैसे अब इसमें चलते हैं अपन आर्टिकल के बारे में, यहां लिख देते हैं आर्टिकल क्या होता है, द आर्टिकल एलिमेंट स्पेसिफाइज इंडिपेंडेंट, या इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ कंटेंट
कंटेंट कंटेंट, जिसमें क्या होते हैं इंडिपेंडेंट कंटेंट होते हैं या सेल्फ कंटेंट होते हैं। इसमें क्या क्या आ सकते हैं आर्टिकल के एग्जांपल में, जैसे आपने कोई फोरम की पोस्ट करी है, ठीक है, कोई आपने ब्लॉग पोस्ट करी है, ब्लॉग लिखते हैं अपन, वो भी आर्टिकल में आते हैं। कोई यूजर ने क्या किए हैं, कमेंट्स किए हैं, वो भी सारे आर्टिकल में आते हैं। कोई प्रोडक्ट के क्या है कार्ड्स हैं, वो भी सारे आर्टिकल में आते हैं। न्यूज़पेपर आर्टिकल आपने सुना ही होगा, न्यूज़पेपर आर्टिकल भी इसी आर्टिकल में आते हैं। तो आर्टिकल की डेफिनेशन होगी, चलिए इसको डिफाइन करते हैं। यहां लगाते हैं एक बीआर, बीआर से अगला जो अपना है नीचे आ जाएगा, तो अपन लगाते हैं बीआर। उसके बाद में अपन एक हेडिंग दे देते हैं, H1 में ही दे देता हूं मैं, जिसके बारे में दी आर्टिकल एलिमेंट के बारे में, और H1 को क्लोज करते हैं। अब टैग स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल, आर्टिकल टैग है अपने पास में। जैसे मैं वेब ब्राउजर के बारे में कोई आर्टिकल लिखना चाह रहा हूं, किसके बारे में आर्टिकल लिखना चाह रहा हूं, वेब ब्राउजर के बारे में, तो मैं एक हेडिंग दे देता हूं आर्टिकल में H1 में। चलिए मैं वेब ब्राउजर लिखता हूं एक H2 के अंदर, जैसे गूगल क्रोम है, इसके बारे में मैं लिखना चाहता हूं, तो मैं एक P टैग में लिखूंगा गूगल क्रोम इज ए वेब ब्राउजर डेवलप बाय गूगल। किसने डेवलप किया है, और गूगल ने किया है, रिलीज इन 2008, ठीक है। और लिख सकते हैं गूगल क्रोम इज मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर इन प्रेजेंट। ये मैंने पी टैग में एक लिख दिया, क्या क्या लिख दिया, आर्टिकल, क्या लिख दिया, आर्टिकल। अब आर्टिकल को अपन क्लोज कर देंगे। इसी प्रकार से दूसरा कोई वेब ब्राउजर है उसके बारे में लिख देता हूं मैं, जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, उसके बारे में अगर आपको लिखना है तो आप मोजिला फायरफॉक्स के बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे पी टैग से मैंने लिख दिया मोजिला फायरफॉक्स इज एन ओपन सोर्स वेब ब्राउजर, ठीक है, डेवलप बाई मोजिला कॉरपोरेशन। ये इतना ही मैंने इसमें लिख दिया, और इस आर्टिकल को भी क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। आर्टिकल यहां पे स्टार्ट करना पड़ेगा पहले, दूसरा आर्टिकल मैंने स्टार्ट किया, और यहां क्या कर दिया, आर्टिकल को क्लोज कर दिया। देखिए मैंने दो आर्टिकल बना दिए हैं वेब ब्राउजर के बारे में, चलिए इसको प्रीव्यू करके अपन देख लेते हैं। देखिए ये बना दिए मैंने, दो आर्टिकल बना दिए, द आर्टिकल एलिमेंट के द्वारा हेडिंग लिखी। ये आर्टिकल किसके बारे में है, गूगल क्रोम के बारे में है, और ये आर्टिकल किसके बारे में है, ये आर्टिकल है आपका मोजिला फायरफॉक्स के बारे में। इसी प्रकार से सिमेंटिक एलिमेंट में अगला अपन कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं अपन किसके बारे में, फुटर के बारे में। फुटर वेबसाइट में लास्ट पार्ट होता है फुटर एलिमेंट, जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट का अपन क्या डिफाइन करते हैं, फुटर डिफाइन करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं फुटर एलिमेंट डिफाइन ए फुटर फॉर ए डॉक्यूमेंट और सेक्शन के लिए क्या डिफाइन करें, फुटर डिफाइन करें। इस फुटर में क्या क्या हो सकता है, ऑथर की क्या हो सकती है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, ऑथर की इंफॉर्मेशन। कोई आपको कॉपी राइट के बारे में क्या देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, वो दे सकते हो। कोई आपको कॉन्टेक्ट डिटेल देनी है, वो दे सकते हो। आप कोई साइट का मैप दे सकते हो, ठीक है, और अगर आप लिंक देना चाहें, जैसे मैं लिंक देना चाहता हूं बैक टू टॉप लिंक, तो आप इसमें फुटर का यूज कर सकते हो। या कोई रिलेटेड डॉक्यूमेंट के बारे में अगर आपको कुछ फुटर लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो। तो ये फुटर एलिमेंट भी अपन एक बार क्या करते हैं, डिफाइन करके देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, कौन सा एलिमेंट है, फुटर एलिमेंट है। तो मैं चलता हूं इसमें, और यहां अपन लगाते हैं बीआर, आर्टिकल अपना कंप्लीट हो चुका है, यहां लगाते हैं अपन बीआर, और अपन स्टार्ट करते हैं फुटर। और जैसे मैं ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा ऑथर जगदीश राहर,
और इसके बारे में डिटेल है। अब मैं मेरी कुछ डिटेल नीचे एंटर करूंगा, लिंक करूंगा ए एच आर ई एफ मेल टू जेपी राहर एट gmail.com और यहाँ पे मैं करूँगा, ये मैंने कर दिया और मेल में मैंने ये डिटेल दे दी है आपको, पी बंद कर दिया, ये बंद कर दिया और लास्ट में क्या बंद कर देंगे, फुटर टैग को भी क्लोज कर देंगे। चलिए इसका प्रीव्यू देखते हैं, अपन नीचे चलते हैं। देखिए ये इस पेज के लास्ट में आया है, इसका मतलब ये फुटर है। क्या है? फुटर है। ऑथर कौन है? जगदीश राहर है। और अब इसने अपनी क्या दी है, यहाँ पर मेल आईडी भी दी है। आप इस पे क्लिक करके इनको आप क्या कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। ये कौन सा पार्ट होता है? फुटर का पार्ट होता है। इसी प्रकार से वेबसाइट में क्या बनाए जाते हैं, नेविगेशन। क्या बनाए जाते हैं? वेबसाइट में नेविगेशन बनाए जाते हैं। तो उसके लिए अपन किस टैग का यूज करते हैं, नेव एलिमेंट का। किस एलिमेंट का? नेव एलिमेंट क्या डिफाइन करता है, नेविगेशन लिंक। तो अपन लिख सकते हैं नेव एलिमेंट डिफाइन ए सेट ऑफ नेविगेशन लिंक। अगर आपको डिफाइन करना है तो आप किसका यूज करेंगे, आप नेव टैग का यूज करने वाले हैं। तो नेव टैग में अपन क्या लिखेंगे, देखिए नेव कैसे नेविगेशन लिंक बनाते हैं वो चलते हैं अपन इसमें। फुटर को हटा देता हूं मैं एक बार, चलिए br कर देता हूं, br, ठीक है। और मैं यहाँ पे लेता हूँ नेविगेशन, चलो ऊपर बनाते हैं अपन, सबसे ऊपर बनाते हैं बॉडी के अंदर ही, यहाँ बनाते हैं। तो अपन कौन सा टैग स्टार्ट करेंगे, नेव टैग स्टार्ट करेंगे। इसमें एक लिंक देते हैं ए एच आर ई एफ, और इसमें मैं दे देता हूँ एक बार ब्लैंक ही छोड़ देता हूँ और बाहर लिख देता हूँ HTML, ठीक है। एक लिंक और देता हूँ ए एच आर ई एफ, इसमें दे देता हूँ मैं, चलो इसमें HTML की लिंक दे देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ HTML। इसमें दे देता हूँ CSS की लिंक, किसकी, CSS की, मैंने क्या दे दी, CSS की लिंक दे दी है, ठीक है। इसमें मैंने किसकी लिंक दे दी है, HTML की दे दी है, ये किसकी लिंक है, ये है CSS की। और एक को क्या कर दो, क्लोज कर दो। एक बार दो का आपको मैं आउटपुट दिखाता हूँ, फिर आपके समझ में आएगा। ये देखिए HTML CSS, आपको ये नेविगेशन नहीं लग रहे हैं तो यहाँ आप ऐसे यूज कर सकते हो, एक के बाद में ये आएगा। और एक दो लिंक बना ही देता हूँ आपको, ये मैंने किसकी दे दी, ये JS की दे देते हैं, JavaScript की, क्या दे देते हैं, JS, क्या लिख दूंगा, JS लिख दूंगा। एक दे देता हूँ jQuery की, किसकी दे देता हूँ, jQuery, और यहाँ पे नाम लिख देते हैं jQuery, ठीक है। अब आपको पूरा पता लगेगा, ये मैंने इनको डिवाइड कर दिया इस सिंबल से, और अब आउटपुट देखते हैं। अब देखिए आपको नेविगेशन लग रहे होंगे, मेन्यू HTML का मेन्यू है, ये किसका है, CSS का, ये JavaScript का है और ये jQuery का है। तो किस टैग से किया अपन ने, किस टैग से किया, नेव टैग से नेविगेशन लिंक बनाए जाते हैं। किस टैग से बनाए जाते हैं, नेविगेशन टैग से बनाए जाते हैं। ऐसे ही अगर साइड बार आपको लगानी हो, क्या लगानी हो, साइड बार, तो इसके लिए अपन टैग लिखते हैं ए साइड, क्या लिखते हैं, ए साइड, किसके लिए, साइड बार के लिए टैग कौन सा है, ए साइड। ये क्या करता है, ये एलिमेंट ए साइड, एलिमेंट डिफाइंस सम कंटेंट, सम कंटेंट ए साइड फ्रॉम द कंटेंट इट इज प्लेस प्लेस इन लाइक साइड बार। लाइक किस में आता है, ये साइड बार में अगर आपको कोई कंटेंट प्रदर्शित करना है तो आप किसका यूज करोगे, ए साइड का आप यूज करोगे। जैसे इसका यूज ओपन करके देखते हैं, यही कर लेते हैं, इसके लगाते हैं br, और br का यूज करते हैं, और मैं यहाँ एक p टैग लगाता हूँ पहले, ताकि कुछ मैं लिख सकूँ पहले। मैं लिख देता हूँ my family and I visited the Epcot Center this summer. The weather was nice. ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, Epcot was amazing. I had a great summer together with my family.
और पी को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब इस पे साइड बार लगा के देखते हैं, तो टैग का नाम क्या है, ए साइड। क्या नाम है टैग का, ए साइड टैग का नाम है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक हेडिंग दे देता हूँ, H4S3 के अंदर दे देता हूँ इपकोट सेंटर, और ये मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, और कुछ और लिख देता हूँ इस एपकोट के बारे में, मैं लिख देता हूँ एपकोट इज ए थीम। क्या है एपकोट, क्या है थीम पार्क है एट वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड रिसोर्ट फीचरिंग एक्साइटिंग अट्रैक्शंस इंटरनेशनल्स फ्यूजन्स अवार्ड विनिंग फायरवर्क्स एंड सीजनल स्पेशल इवेंट। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ये मैंने पी को क्लोज कर दिया और ए साइड टैग को भी क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। तो इसमें देखिए, ये देखिए, ये आ गया। ठीक है, ये आपका किसके बारे में है, साइड ए साइड किसके बारे में है, मैं यहाँ पे गया उसके बारे में आपने एक साइड क्या दे दी, एक साइड में आपने इसके बारे में ही, इस एपकोट सेंटर के बारे में ही आपने कुछ डिटेल अलग से दे दी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो आपका ए साइड टैग का इसमें यूज होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको, जैसे आपने कोई पिक्चर इंसर्ट करी, जैसे आपने क्या इंसर्ट करी, कोई आपने पिक्चर इंसर्ट करी, जैसे मैंने ये पिक्चर इंसर्ट करी, इसके अगर आपको फिगर लगाना है, क्या लगाना है, फिगर, तो अगर आपको इसका नाम लिखना है या कैप्शन लगाना है तो उसको बोलते हैं अपन फिग कैप्शन। क्या बोलते हैं, फिग कैप्शन। तो इसके लिए आप फिगर टैग का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, IMG के साथ में फिगर टैग का यूज आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज भी अपन करके यहां पर लास्ट में करके देखते हैं। चलिए मैं यही करके देखता हूं, शुरू में ही कर लेते हैं, इस नेव को नीचे करते हैं, यही करके अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ लिख रहा हूं हेडिंग में, तो प्लेस टू विजिट, ऐसे ही मैंने क्या लिख दिया, प्लेस टू विजिट लिख दिया। अब मैं स्टार्ट करूंगा क्या, फिगर, फिगर टैग मैंने स्टार्ट कर दिया। इसके बीच में यहां आपको क्या लिखना है, IMG SRC, क्या लिखना है, IMG SRC। उसके बाद में आप एक पिक्चर का वो दे दीजिए। चलिए देखते हैं अपने कोई डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर, बिल्कुल एक पिक्चर पड़ी है एक नाम से, एक डॉट क्या है इसका एक्सटेंशन और देख लेते हैं अपन, ये है JFIF 1.JFIF, ये पिक्चर पड़ी है। इसकी अगर हाइट विड्थ अगर देना चाहे तो हाइट, चलिए एक बार हाइट नहीं देखते हैं, एक बार इतना ही करते हैं। और फिर मैंने लगाया इसके, इसका सब टैग है फिग कैप्शन, फिग कैप्शन, और इस पे नाम लिख दिया मैंने फिगर वन। क्या नाम लिख दिया, figure.1 मैंने इसका नाम लिख दिया है, और इस टैग को मैंने क्लोज कर दिया। और लास्ट में मैंने किस टैग को क्लोज कर दिया, फिगर टैग को क्लोज कर दिया। चलिए इसका प्रीव्यू देखते हैं। देखिए ये पिक्चर आ गई है अपनी, ये पिक्चर थोड़ी सी बड़ी है, चलो इसको छोटी करते हैं, पहले विड्थ कर देता हूं मैं 250 और हाइट कर देता हूं मैं 200। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखिए पिक्चर के नीचे आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने ऊपर हेडिंग दी थी, ये देखिए इसका फिगर आउट आपको हो गया है। ठीक है, समझ में आया होगा। इसका पूरा नाम भी आप देना चाहे तो दे सकते हैं, फिगर वन, और अगर पूरा नाम देना चाहे तो यहां पर आप लिख सकते हैं PCC Academy। ठीक है, तो और इसको करेंगे रिफ्रेश, देखिए फिगर वन का नाम क्या है, PCC Academy। तो इसके लिए अपन किस, अपन ने किस टैग का यूज किया, इसके लिए यूज किया अपन ने किस टैग का, फिगर, कौन सा टैग का यूज किया है, फिगर टैग का हमने यूज किया है। उसके बाद में अपने पास में एक जो सिमेंटिक एलिमेंट आता है वो आता है मेन टैग। कौन सा टैग आता है, मेन टैग का यूज करके डॉक्यूमेंट जो स्पेसिफाई करते हैं, मेन कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे अपन कह रहे हैं कि ये सारा कंटेंट यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है, तो अपन यहां मेन लगा देंगे, और जहां पर ये समाप्त हुआ है फुटर पर
वहां क्या लगा देंगे, मेन समाप्त कर देंगे। तो अपन ने कहा यहां से लेकर के और यहां तक पूरा अपना मेन कंटेंट है। तो इस प्रकार से कौन सा टैग काम करता है, मेन कंटेंट आपका काम करता है। तो आपके समझ में आ गए होंगे ये सभी कौन से एलिमेंट होते हैं, ये सभी होते हैं आपके सिमेंटिक एलिमेंट। सिमेंटिक एलिमेंट की डेफिनेशन आपको मैंने बता दी थी, जिससे यूजर को और ब्राउजर को दोनों को ये समझ में आए कि हम क्या लिख रहे हैं और किसके बारे में डिटेल लिख रहे हैं। तो ये HTML5 में कुछ अपने क्या थे, सिमेंटिक एलिमेंट्स थे जो अपन ने बारी बारी से कवर किए हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। कुछ और टैग बचे हुए HTML के हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।